तो लंडो, कैसे स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम के सुपर डुपर टैलेंटेड मॉडल्स के बारे में, जिनको टैलेंट का टी भी नहीं आता और टैलेंट के नाम पे बस बकचोदी फैलाते रहते हैं। इन मॉडल्स के हिसाब से न्यूडिटी और बॉडी एक्सपोज करने का मतलब ही टैलेंट होता है। इनको जरा भी नहीं मालूम कि डांस म्यूजिक आर्ट नाम का चीज होता है इस दुनिया में। तो यार, बिना तुम्हारा टाइम खाते हुए और मेरा वॉच टाइम बढ़ाते हुए और इस बारिश जैसे माहौल में शुरू करते हैं। जोजो लैंड इस गोरा रंग को देख के दीवाने हो गए हो ना बेटा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये गोरा रंग ऐसे नहीं है। इस गोरा रंग को लाने के लिए 50 किलो वाल पट्टी और 50 फिल्टर लगाया गया है। तो ज्यादा दीवाना मत बनो, पढ़ाई लिखाई करो और देश का नाम रोशन करो। इन सब बकचोदी में कुछ नहीं रखा है। जाकिर भाई ने एक बात कहा है, वो सुनो तुम्हें समझ आ जाएगा। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौके। भाई दीदी का टैलेंट देख रहे हो, दीदी ने चल चल के 1.5 मिलियन फॉलोवर्स गेन कर लिए। भाई अगर चलना टैलेंट होता ना तो हमारे पूर्वज बस टेक्नोलॉजी के वजह से पीछे रह गए, वरना वो हजारों चार से चलने का ही कोशिश कर रहे थे। दीदी तुमको तुम्हारा बढ़िया कंपटीशन नहीं मिला, वरना आज 1.5 मिलियन तुम्हारे पास है वो हमारे पूर्वजों के पास होते हैं। अभी अगर तुम मुझको ये बात बताना चाहते हो ना कि यार हमारे दीदी के पास टैलेंट है जिसका नाम डांस है, तो बेटा मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दीदी को उसमें भी बस एक ही स्टेप आता है और वो है बस कमर हिलाना, जिसको मैं बंदरिया डांस कहता हूँ, बंदरिया डांस। जब चार लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए ना तो समझ जाना वो चारों लोग मादरचोद हैं, भोसड़ी के काम से काम मतलब नहीं रखते। भाई सच्ची कह रहा हूँ, उस दीदी का लिपसिंग देख के मेरे दिल में लिपसिंग करने वालों के लिए इज्जत बढ़ गई। नहीं नहीं, मतलब वो भी टट्टी है, लेकिन उस टट्टी का क्वालिटी थोड़ा अच्छा लगने लगा इस दीदी से कंपेयर करो तो। मतलब यार दीदी के पास टैलेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं, तो पर भी दीदी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठी है। बेटा इस दुनिया में ठरक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एक्सेस। और यार दीदी इंस्टा रील्स पे हगने के पहले एक बार अपना वीडियो देख लिया करो, क्या कुछ गलत सही हो गया है कि नहीं, रीटेक ले लिया करो। बहन जो मन में आया वही अपलोड कर देती हो, टट्टी हो हगा हुआ मुंह तो कुछ भी अपलोड करना है बस इनको। लड़कियों की दो प्रॉब्लम होती है, पहली और दूसरी यार कुत्ता देख ही नहीं रहा। मतलब यार फोन उठाओ, फिल्टर लगाओ, साउंड ट्रैक सिलेक्ट करो और हक दो इंस्टा रील्स पे, किसको क्या ही फर्क पड़ता है, कौन ही लिपसिंग देखने जा रहा है। जनता तो ठरकी है ही, लाइक मार के ही जाएगी। अब यार इंस्टाग्राम हमें एक ऑप्शन देता है कि तुम अपने इंस्टा रील्स का कवर पिक सिलेक्ट कर सकते हो। दीदी का कवर पिक्स देख रहे हो बेटा, एक टाइम के लिए तो जाकिर भाई डोल जाए, तो तुम क्या चीज हो। अच्छा बेटा अब समझ आ रहा है कि दीदी को ये 1.5 मिलियन लोग क्यों फॉलो करते हैं। अब यार तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि दीदी का इंटेंशन क्या है, दीदी करना क्या चाहती है और दीदी कैसा ऑडियंस को टारगेट करती है। भाई मैंने पहले भी बोला, इस देश में ठरकी लोग बहुत ज्यादा पड़े हुए, एक्सेस पड़े हुए, बेरोजगार से ज्यादा तो ठरकी पड़े हुए हैं। और यार फेमस होने के चक्कर में बहुत सारी लड़की ऐसे लाइन पे चढ़ पाती है जो उनको नहीं चलना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है। अगर तुम अपने रिगार्डिंग गलत या सही का फर्क नहीं बता सकते हो ना, तो बेटा तुम सबसे बड़ा चूतिया हो दुनिया के। फिर हमारी दीदी यूट्यूब पे भी, लेकिन बात हुई ना कि इनसे 15 सेकंड से ज्यादा वीडियो बनता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे भी इन्होंने रील्स ही अपलोड कर रखा है। बेटा टैलेंट है, टैलेंट हर जगह, हगने का टैलेंट है दीदी के पास। तो लंडो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, आज के लिए इतना काफी था। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लंडो कमेंट करके जाना। और यदि मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज किसी को जाके हेट मत देना, ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं चलो कुछ ऐसे वीडियो ढूंढने जिनको मैं गाली दे सकूं या फिर रोस्टिंग कर सकूं। और अगर तुमने अभी तक उस रेड बटन को ग्रे नहीं किया ना, तो माता रानी पॉप लगाएगी सालो भाई।